हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका माय फार्मा टिप्स यूट्यूब चैनल पर। आज हम स्टूडियो में प्रोलास्टीन ईएम टैबलेट के बारे में पूरी जानकारी लेने वाले। प्रोलास्टीन ईएम टैबलेट का मेनली यूज एलर्जी की समस्या दूर करने में किया जाता है। आइए उस टैबलेट के बारे में और अधिक विस्तार से जानते हैं। ये टैबलेट कैसे काम करती है, क्या इस्तेमाल होती है, उस टैबलेट के क्या बेनिफिट है, क्या साइड इफेक्ट है, उस टैबलेट से जुड़े सभी सवाल के जवाब आपको वीडियो में मिल जाएंगे, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। वेल फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे हेल्थ और मेडिसिन से जुड़े वीडियो लाते रहता हूँ। तो चलिए गाइस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अल्केम लेबोरेटरीज कंपनी की ये 10 टैबलेट की स्ट्रिप आपको मेडिकल स्टोर पर 172 रुपये में मिल जाएंगी। दोस्तों, बताई गई कीमत समय के साथ कम या ज़्यादा हो सकती है। बात करते हैं इस टैबलेट में मौजूद कंटेंट के बारे में। प्रोलास्टीन ईएम टैबलेट में बिलेस्टाइन 20 mg, मोंटेलुकास्ट IP 10 mg यह कंटेंट समाविष्ट है। इसमें मौजूद बिलेस्टाइन एक एंटी एलर्जिक ड्रग के क्लास में आता है। यह शरीर में केमिकल मैसेंजर हिस्टामाइन के प्रभाव को ब्लॉक करके एलर्जी के लक्षणों में राहत देता है। इसमें मौजूद मोंटेलुकास्ट यह ल्यूकोट्राइन रिसेप्टर के क्लास में आता है। यह बॉडी में उन केमिकल मैसेंजर को रोकता है जो अस्थमा और एलर्जी पैदा करने का कारण बनते हैं। बात करते हैं इस टैबलेट के यूजर्स के बारे में। डॉक्टर इसे किन किन समस्याओं में इस्तेमाल करते हैं। इस टैबलेट का मेनली यूज एलर्जी की समस्या दूर करने में, एलर्जी के कारण नाक बहने की समस्या या नाक बंद होने की समस्या दूर करने में, इसे आंखों में जलन होने की समस्या या आंखों से पानी आने की समस्या दूर करने में, सांस फूलना, दमा, अस्थमा, घबराहट होना, इन समस्याओं को दूर करने में। डॉक्टर इसे स्किन में खुजली आने की समस्या, पित्त की समस्या, स्किन पर रैशेज आने की समस्या दूर करने के लिए यूज करते हैं। डॉक्टर इसे सर्दी जुकाम की समस्या दूर करने के लिए भी इस टैबलेट का यूज करते हैं। उस टैबलेट के अन्य यूज जानने के लिए आप अपने डॉक्टर या फार्मासिस्ट से संपर्क कर सकते हैं। आपके डॉक्टर उनके अनुभव से इस टैबलेट का इस्तेमाल अन्य समस्याओं को दूर करने के लिए भी यूज कर सकते हैं। बात करते हैं इस टैबलेट के डोसेस के बारे में। याद रखो दोस्तों, इस टैबलेट का डोस आपके समस्या और आपकी उम्र पर निर्धारित रहता है। यदि आपकी समस्या ज्यादा हो तो इस टैबलेट का डोस भी ज्यादा होगा, यदि आपकी समस्या कम हो तो इस टैबलेट का डोस भी कम होगा। वह एक व्यक्ति यानी एडल्ट ये टैबलेट दिन में एक बार खाना खाने के बाद अपने डॉक्टर के सलाह के अनुसार ले सकते हैं। साइड इफेक्ट इस टैबलेट के इस्तेमाल से होना दुष्परिणाम। यदि आपको इस टैबलेट में मौजूद कंटेंट से कोई एलर्जी है तो आपको बताया कि कुछ साइड इफेक्ट हो सकते हैं। यदि आपको बताया कि कुछ साइड इफेक्ट महसूस हो तो आप तुरंत अपने डॉक्टर से संपर्क करें। उस टैबलेट के इस्तेमाल से आपको उल्टी, मितली, सिर दर्द, थकान, पेट दर्द, चक्कर आना, ये कुछ साइड इफेक्ट हो सकते हैं। प्रिकॉशन, उस टैबलेट को यूज करते समय सावधानियां। अगर आपको इस टैबलेट के इस्तेमाल से कोई साइड इफेक्ट आए या फिर आपको इस टैबलेट में मौजूद कंटेंट से एलर्जी है तो आप इस टैबलेट का यूज न करें। अगर आप पहले से कोई अन्य मेडिसिन, टैबलेट, सिरप ले रहे हो तो उसकी सूचना अपने डॉक्टर को अवश्य दें। इस वजह से इस टैबलेट का ड्रग इंट्रैक्शन या ओवरडोज होने की संभावना कम होती है। अगर आपको लीवर या फिर किडनी से जुड़ी अन्य समस्या है तो उसकी सूचना भी अपने डॉक्टर को अवश्य दे। गर्भवती महिलाएं और स्तनपान करने वाली महिलाएं ये टैबलेट यूज करने से पहले अपने डॉक्टर की सलाह अवश्य ले। उस टैबलेट के इस्तेमाल के पहले या इस्तेमाल के बाद अल्कोहल का प्रयोग न करें, इससे आपकी स्थिति बिगड़ सकती है। इस टैबलेट को लेने के बाद कोई मशीन से जुड़ा या फिर ड्राइविंग से जुड़ा काम न करें। दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो से हेल्पफुल इन्फॉर्मेशन मिली हो तो वीडियो को लाइक करें और माय फार्मा टिप्स यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। इस चैनल पर आपको हमेशा मेडिसिन डोज मिलते रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।